फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ होती हुई आ रही है और टाइम के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये है एक वॉइस रिकॉर्डर जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए करें स्टार्ट। तो ये है वो वॉइस रिकॉर्डर सोनी का ICD PX240। ये मैंने मार्केट से लिया है और ना कि ऑनलाइन, क्योंकि मेरे को इसके बारे में बहुत कुछ जानना था, जैसे कि इसके फंक्शंस और कैसे वर्क करता है और क्वालिटी भी देखनी थी। तो चलिए देखते हैं इसको अनबॉक्स करके कि इसमें क्या क्या है। तो चलो खोल के देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। जैसे इसका साइज है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है कि हम इसको देख सकते हैं, ये कहीं भी फिट हो सकता है, पॉकेट में, पर्स में। तो चलो खोल के देखते हैं। इसमें एक निकला है वॉइस रिकॉर्डर, USB कॉर्ड, हेडफोन्स और एक कैरी बैग। तो अब ये जो वॉइस रिकॉर्डर है, इसमें हमें बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा बटन क्या करता है। ये है पावर बटन। इसको नीचे की तरफ होल्ड करके रखेंगे तो हमारा डिवाइस ऑन हो जाएगा, जिसमें हम डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। अब डेट और टाइम सेट करने के बाद आता है रिकॉर्डिंग का फंक्शन। तो इस बटन से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस बटन से हम स्टॉप कर सकते हैं और इन दोनों से हम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है प्ले बटन, जिससे हम कोई भी हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले कर सकते हैं। फिर ये है फोल्डर बटन। इसमें हम हमारी जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको हम डिफरेंट फोल्डर में सेव कर सकते हैं और मेन्यू में हम डिफरेंट फोल्डर्स को व्यू कर सकते हैं। फिर ये है इरेज बटन। इरेज बटन से हम हमारी जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी इरेज कर सकते हैं। फिर ये है डिवाइड बटन। इससे हमारी अगर कोई लॉन्ग रिकॉर्डिंग है और हमको दो भागों में इसको स्प्लिट करना है तो वो हम इस बटन को दबा के कर सकते हैं। फिर ये है वॉल्यूम बटन। और आइए हम ऊपर चलते हैं। ऊपर आ गए तो हमें दिखता है हेडफोन जैक। ये ब्लैक कलर का हेडफोन जैक है और फिर ये है रेड कलर का माइक इनपुट। ये है USB जैक और अगर हम पीछे आएंगे तो हमको दिखता है एक बैटरी का ऑप्शन, जिसमें हम AAA बैटरी लगा सकते हैं। इसमें हमको दो सोनी की बैटरी पहले से मिली हुई थी पैक के साथ। तो ये जो डिवाइस है एज अ वॉइस रिकॉर्डर, इसके फीचर्स देखे मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इसका और बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस है। ये हम सबको अवेलेबल हो सकता है 3,000 to 3,500 के बीच में और ये कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, लोकल भी और ऑनलाइन भी। तो मेरी तरफ से इस डिवाइस को मिलता है एक थम्स अप। मैंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी पोस्ट की थी और उसमें मैंने लिखा था कि जिम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। तो लोगों को शायद वो स्टोरी समझ नहीं आई, उन्होंने उस स्टोरी से रिलेटेड छोड़कर बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। ये है वो स्टोरी जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट की थी। फर्स्ट मैसेज है, आई लाइक इट। थैंक यू सैयद, थैंक यू सो मच, आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं। और फिर नेक्स्ट मैसेज है मयंका, हाउ टू थिक एंड स्ट्रॉन्ग आवर हेयर। मयंक, मैं ज़रूर एक वीडियो इस पे बनाऊंगी। थर्ड मैसेज लिखने वाले हैं लोहार 4014। ये लिखते हैं, कोर्ट में सभी केसेस जीते होंगे जी आप, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ जी बिल्कुल, जीतते हैं हम लोग केसेस। नेक्स्ट मैसेज है अक्षय सिंह 03। ये पूछते हैं, हाउ वाज योर पेपर। अक्षय, इट वाज गुड। नेक्स्ट मैसेज है हरविंद्र जी का। ये पूछ रहे हैं कि आपका हाथ अब कैसा है। तो मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और मेरे Q&A में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का थैंक्स।